अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। हम सब जानते हैं कि हम काफी अरसे से मुंतजिर थे, मुंतजिर के लिए, और ये था कि इंतजार खत्म होगा और फिर हम इस बुक रिलीज को अपने सामने होते देखेंगे। आज उस मुंतजिर को देखेंगे, महसूस करेंगे और ये भी जानेंगे कि मुंतजिर सही मानों में होता क्या है। अगर हम सोचें तो हम हमेशा ही मुंतजिर होते हैं, हर वक्त हर घड़ी किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी व्यक्ति के लिए, या कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को लेकर हम मुंतजिर रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कुछ अच्छा होगा, होने वाला है। और आज जो सबसे अच्छी बात है कि मुंतजिर आज रिलीज हो रही है, और हम सब जानते हैं कि ये जो किताब है ये जतिन सलवान साहब ने लिखी है। और आपको बता दें कि आज के समारोह में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर के रत्तू, फॉर्मर सीनियर ऑफिसर फ्रॉम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और डायरेक्टर स्कूल मीडिया स्टडीज JNU जयपुर हैं। जनरल VP मलिक, एक्स आर्मी चीफ हमारे बीच में हैं। बलकार सिद्धू जी, प्रेसिडेंट पंजाबी लेखक सभा और रेनाउंड थिएटर एंड फोक आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं। हरदीप सिंह चांदपुरी जो पब्लिशर हैं फर्न ट्री, उन्होंने ही ये बुक पब्लिश की है, वो भी हमारे बीच में हैं। और हम सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी का स्वागत। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जहां जतिन जी होते हैं वहां फिल्म होती है, और साथ में होते हैं ओजस्वी शर्मा। तो इसलिए इस समय हम आपके लिए मीट मुंतजिर फिल्म की स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। पेश है मुंतजिर। मुंतजर, मुंतजर वो भी था कभी, मुंतजर वो भी था कभी जिसका मुंतजर हूं मैं। मुंतजर, इस फिल्म के लिए जोरदार तालियां। इसका निर्माण पिनाका मीडिया वर्क्स और रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया, जो इस समय भारत में एक उभरता हुआ प्रोडक्शन हाउस है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया ओजस्वी शर्मा ने, विनर ऑफ रजत कमल अवार्ड। जोरदार तालियां के लिए। मुंतजिर मैं भी हूं, मुंतजिर तुम भी हो। जतिन सलवान साहब की बात करते हैं। 42 साल से पेशे से हाई कोर्ट के वकील हैं। एक संवेदनशील भावुक व्यक्तित्व के मालिक हैं और जानवरों और प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। अगर हम अपने शहर की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो उन्होंने शहर भर में हजारों पेड़ लगाए हैं। खाली क्षणों में वो स्केचिंग करते हैं और हिंदी, पंजाबी और उर्दू में शायरी करते हैं। जतिन सलवान साहब को स्कूल के दिनों से ही शायरी से प्रेम हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। पंजाबी में फूड़ी शीर्षक से उनका पहला कविता संग्रह 12 फरवरी 2022 में जारी किया गया था, और आज 10 फरवरी को उनकी शायरी पर हिंदी में मुंतजिर नाम की दूसरी किताब
आज रिलीज हो रही है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। जतिन जी उठो, उठो जतिन जी, जतिन जी उठो, उठो जतिन जी, वो बन के गरजमंद आया है। जतिन जी उठो, उठो जतिन जी, वो बन के गरजमंद आया है। तमाम उम्र जिसका तुम्हें इंतजार रहा, एक बार था बहुत इंतजार रहा, मुंतजिर चल बसा, मुंतजिर चल बसा, इंतजार रहा, मुंतजिर चल बसा, मुंतजिर चल बसा। और अक्सर ऐसा होता है कि मुंतजिर मुंतजिर ही रहता है और आखिरकार चल बसता है। ये अल्फाज सलमान साहब के ही हैं, मुंतजर से लिए हमने। किसका कफन ओढूं, किसकी मजार पे लेटूं, बन के एक लाश हर शख्स जी रहा है इन दिनों। जब जतिन साहब लिखते हैं तो दिल से लिखते हैं, और लिखते लिखते आप महसूस करेंगे कि भावुक हो जाते हैं। अभी जब उन्होंने मुंतजिर पर कुछ चंद लाइनें पढ़ी थी तो भावुक हो गए थे। और वैसे भी कहते हैं कि जो शायर होता है उसको भावुक होना ही पड़ता है। जब तक वो भावुक नहीं होता, मिट्टी से नहीं जुड़ता और अपने आसपास जो घटित होता है उसको नहीं समझता, तो शायद शायरी कहीं ना कहीं फीकी सी नजर आने लगती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे, और मेरा अनुरोध रहेगा आज के समारोह के विशेष अतिथियों से, जनरल बीपी मलिक एक्स आर्मी चीफ, डॉक्टर के रत्तू फॉर्मर सीनियर ऑफिसर फ्रॉम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, मिस्टर बलकार सिद्धू, डॉक्टर हरदीप सिंह चांदपुरी, मिस्टर सीजे सिंह, फैकल्टी स्कूल ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन चुनी यूनिवर्सिटी, मिस्टर जतिन सलवान। और जब दीप प्रज्वलित होता है तो हम कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमे, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। एक दीपक, फिर दूसरा दीपक, फिर तीसरा दीपक, एक दीपक से कितने सारे दीपक जल उठते हैं और धीरे धीरे अंधेरा दूर होने लगता है। और यही हम सबको भी करना है, जो पॉजिटिविटी है उसे फैलाना है। और अब हमारा अनुरोध रहेगा श्री बलकार सिद्धू, अध्यक्ष पंजाबी लेखक सभा की, वो मंच पर आए, विशेष अतिथियों और मेहमानों का स्वागत करें। श्री बलकार सिद्धू, पंजाबी लेखक सभा चंडीगढ़ और पंजाब आर्ट काउंसिल की जानिब से आए हुए तमाम ख्वातीन हजरात का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। हमारे लिए बहुत ही ये फख्र का मुकाम है कि आज हमारे दरमियान बतौर मेहमान खसूसी हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री वीपी सिंह जी जनरल साहब तशरीफ़ फरमा है। हम उनका रस्मी तौर पे नहीं बल्कि तह दिल से इस्तकबाल करते हैं। ज़ोरदार खुशामदीद। इन्हीं के साथ हमारे आज के दीगर जो मेहमान हैं, ख़ास तौर पे ख़ास मेहमान डॉक्टर के रत्तू जी, आप सब लोग वाबस्ता हैं, चंडीगढ़ दूरदर्शन के वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ब्रॉडकास्टिंग से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, और उससे भी अगली बात के वो अदब से वाबस्तगी रही है, और हिंदी पंजाबी अंग्रेज़ी और उर्दू चारों जबानों पर उनका यकसा कुदरत कहिए आबूर कहिए रहा है। तो आप हम आपका एक बार फिर कैबिन से, और दूसरे लोग जो आज बतौर मेहमान आज तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि हॉल में अंधेरा है मुझे ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे,
लेकिन आप सबका हम बाकायदा इस्तकबाल करते हैं और पंजाबी अदबो अदाब वजो आप सारे नूं दिलों जिया नूं कहने हैं। सो क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कर्नल तशरीफ फरमा हैं आज पंजाबी जो मौसकी है तो उसके सरकर्दा सुनैनी शर्मा जी तशरीफ लाए हैं, तो आप क्योंकि मयारी पंजाबी फोक म्यूजिक को जो प्रिजर्वेशन है तो साम संभाल पंजाबी च असी कहने हैं, तो उनकी एक अलंबरदार भी है पहरेदार भी है, आप तशरीफ लाए हैं तो आपका भी ख़ास तौर पे हम खैर मकदम करते हैं। मैं देख रहा था कि जस के शान नौजवान लड़की ऐसी है कि वो तमाम बड़े लोगों को भी दीगर और सब लोगों को अपने ताल पे नचाते हैं, तो उनमें फिटनेस और फिजिकली फिट रहने का बहुत बड़ा एक पैगाम देते हैं, तो आपका भी स्वागत है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो क्योंकि पंजाबी लेखक सभा चंडीगढ़ ना महज पंजाबी अदब को फ़रोग देती है, ये हिंदुस्तानी ज़ुबानें ख़ास तौर पर हिंदी उर्दू इंग्लिश और इन सब को बाकायदा बराबर का फ़रोग देने में कह लीजिए कोशिश काविश करते रहते हैं। तो उर्दू की जहाँ तक तअल्लुक है आज का जो हम तरकीब है जो, तो इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जिसके बानी है अमीर खुसरो हम उस उर्दू जुबान के खातिम हैं। तो क्योंकि वो कहते हैं यार मेरा खुशबू की तरह जुबान जिसकी उर्दू की तरह, और क्योंकि जतिन सरवान जी के लिए मैं ये अल्फाज कह रहा हूँ, हालांकि इनकी पहली जो किताब थी वो जैसे अभी बताया निर्मोही जी ने पूड़ी, एक बहुत ठेठ लफ्ज़ है, बहुत लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आएगा, शायद जो माझा इलाका से वाबस्तगी रखते हैं वो आसानी से इसको समझ लेंगे, लेकिन उस वो इतना पायेदार था कहिए या कह लीजिए कि इतना पुरखलूस थी वो उसकी जो शायरी कि वो हमें लगता था कि ये शिव कुमार बटालवी जी के बाद उसी स्टाइल में उसी शैली में लिखने वाला हमें एक नया पंजाबी का शायर मिल गया जतिन सरवान जी। और आज आज इन्होंने अपनी कलम आजमाई की है उर्दू जुबान में, नहीं कहूँगा मैं उर्दू अदब में, क्योंकि उर्दू को मैं जुबान मानता ही नहीं हूँ, ये तो एक अदब है, जो शाइस्तगी जो खुलूस है इस जुबान में मुझे लगता नहीं किसी और जुबान में हो। तो इनमें इन्होंने बहुत सारे अशार कहे हैं, तो आज आप सब लोग उनका आनंद लेंगे। जसवी जो अभी नेशनल अवार्ड जिनको मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एडमिटेड फिल्म के लिए, तो वो आज हमारे दरमियान है। रब दी आवाज़ इनकी आजकल फिल्म चल रही है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे देखेंगे, बहुत ही लाजवाब वो जो ख़ास तौर पे जो नेत्रहीन लोग हैं तो उनके ऊपर इन्होंने बनाई है। चाहत ये तुम्हारी के हयात सेजे गुल हो, हम सफ़र चुना है जब तुमने असीरे गम कांटा, परेशान हूँ तुम्हारी अक्लमंदी पे तुम्हारी सादगी पे के मौसम बहार में भी तुमने मुरझाया फूल छांटा, मेरे माजी से तुम खूब वाकिफ हो मेरे जानेब, इससे पर्दा उठाने की भला सोचो ज़रूरत ही कैसी, दफन कर इसे अब हम क्यों ना मुस्तकबिल की सोचें फ्यूचर की, सुपुर्दे खाक हो चुके को अब सोचने की ज़रूरत कैसी, शायद तुम्हें खबर ना हो कई जगह मैंने चिराग जलाने चाहे और कई शमाए उल्फत मेरी सिमत खुद भी चली आई, कुछ चिराग मोहब्बत जले और जलकर बुझ गए, यानी कुछ शमें मेरी बेवफा गुलगीर ने खुद बुझाई, एक चिराग हसरत आज भी दिल में बुझा पड़ा है, तमाम उम्र की कोशिशें भी जिसे रोशन कर ना सकी, अब भी उसकी तीरगी का मेरे तसव्वुर में है उजाला, मेरी वफा की कोशिशें तमाम
तीरगी उसकी फना कर ना सकी, अब तो वह चिराग मेरे घर रोशन हो ही नहीं सकता, आज किसी गैर की देहरी पर वह जल रहा है। मेरी उम्र भर की हसरत से जिया लेकर, लाइट लेकर, जो दुनियाए गैर में बन के आफ्ताब जल रहा है, सूरज जल रहा है, यकीन है कि वह चिराग मेरा नहीं, मगर फिर भी खलवत में, सॉलिट्यूड में, एकांत में अब भी सोचता रहता हूँ उसकी रोशनी की बाबत, जो उसने अपनी फितरत से आप ही था शिकस्ता किया। कभी कभी तन्हाई में गुनगुनाता है आज तलक वो बरबत, मैं ये सोच भी नहीं था सकता कि तुम वो चिराग जलाओगी, कि तुम अपनी तमाम खुशियाँ फिदा कर मेरी दुनिया बसाओगी। ना जाने क्या सोच तुम मेरी दुनिया जुल्मत में आई हो, दुनिया जुल्मत वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस अंधेरे की दुनिया, मेरी दुनिया जुल्मत में आई हो, ना जाने क्या तुम्हारे दिल में आई हो, यह जलवे यह रंगीनियाँ यह कुर्बत यह रिफाकत करीबी, शायद तुम्हें मालूम ना हो कि चंद लम्हों के हैं मेहमान, वो जो जिंदगी का सुख है मोहब्बत का तसव्वुर, शायद हकीकत में नहीं है वह, अभी तिनके नहीं बिखरे अभी आशियां है सलामत, अभी नादानी बेसब्र की आंधी है ठहरी, वक्त है अभी भी हाथ में ज़रा सब्र से सोचो, आशियां देखो और देखो वो आंधी उठती हुई गहरी, अगर तूने अब असीरे गम कांटे को कैप्टिव ग्रीफ को हम सफ़र मार ही लिया, यह कहा उसकी जरूरत कि तुम्हारे संग ना चले, अब ये हयात तुम्हारी है तकदीर तुम्हारी है, जिंदगी अब तो साथ ही चलेगी चाहे शाद चले ना शाद चले। सो ये मैं, मुझे जाहिर है कि ये रेणुका मैडम के लिए तो नहीं है, खैर तो लेकिन ऐसा है कि ये जो इतनी बाखूबी से इन्होंने ये अपना कलाम लिखा है, तो ये इन्होंने ये उर्दू ही क्यों चुना, इसका इंतखाब क्यों किया, इस ज़बान का, इस अदब का? शायद मुझे ये लगा कि ये जो चंद अशआर हैं ये उर्दू ही में लिखे जा सकते थे बेहतर ढंग से। सो ये मैं, मुझे जाहिर है कि ये रेणुका मैडम के लिए तो नहीं है, खैर तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पंजाबी लेखक सभा की जानिब से, और इसी के साथ एक मरतबा फिर जतिन सलमान जी को, रेणुका जी को, हमारी पंजाबी लेखक सभा और पंजाब आर्ट काउंसिल एज वेल एज आप सब लोगों, तमाम लोगों की तरफ से इस आज की पुस्तक मुंतजिर के इस रस्म रूनमाई पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और विस्तार से अच्छी शेर व शायरी हुई, और हम जान पाए कि शायर क्या कहता है, शायर कहना क्या चाहता है। और वैसे भी कहते हैं कि हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है, प्यास अगर मेरी बुझा दो तो मानो वरना, प्यास मेरी बुझा दो तो मानो वरना, तू समंदर है तो होगा मेरे किस काम का है, मेरे किस काम का है। तो जब शायर लिखता है तो रूह से लिखता है, कहीं ना कहीं दर्द महसूस करता है, तो कितना लहू मांगती है शायरी, ये तो शायर से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, वो घड़ी जिसका इंतजार हम सबको है, हम जिसके मुंतजर थे बुक लॉन्च, और मेरा अनुरोध रहेगा जनरल वीपी मलिक, डॉक्टर के रत्तू, मिस्टर बलकार सिद्धू, मिस्टर आर एस चीमा सीनियर एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हमारे बीच में हैं, अगर मिस्टर हरदीप सिंह चांदपुरी, मिस्टर सी जे सिंह, जतिन सलमान साहब आप लेके आइए इन सबको, रेणुका सलमान हमारे बीच में ऊपर ही हैं, नेहल सलमान की बेटी भी हमारे साथ हैं, उसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए।
सोने को हो रात मिली, रातों का नसीब सुहाना, जीने को प्रभात मिली। वाह क्या खूब है। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे ऑथर ऑफ द बुक जतिन सलवान, इंटरेक्शन विद द ऑथर। मेरा अनुरोध रहेगा मिस्टर अमूल्य शुक्ला जो कि उनसे इंटरेक्शन करेंगे, ऑपरेशंस हेड ऑफ मेगा एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इवेंट्स, फाउंडर क्यूरेटर एंड होस्ट ऑफ काव्यांजलि जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, फाउंडर अमूल्य विरासत फाउंडेशन है, थिएटर एंड कल्चर फेस्ट जज रहे हैं, कंपेयर एंकर रहे हैं, वेल नोन थिएटर क्रिटिक हैं, मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनिंग भी हैं, फाउंडर ऑफ अमूल्य माइंड जेन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इंटरेक्शन विद द ऑथर। नमस्कार, बहुत शुक्रिया निर्मोही साहब और आप सबका बहुत शुक्रिया आज इस माहौल को इतना खुशगवार बनाने के लिए। नई नई पोशाक बदल कर मौसम आते जाते हैं, फूल कहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं लौट आते हैं। इस धरती पर आकर सबका अपना कुछ खो जाता है, ये एक्सपीरियंशियल होगा, आप भी महसूस कर सकते हैं। इस धरती पर आकर सबका अपना कुछ खो जाता है, कुछ रोते हैं, कुछ इस गम से अपनी गजल सजाते हैं। तो स्वागत आपका जतिन साहब, और जतिन जी जैसा आप खुद को कहते हैं अच्छा आपने एक बालिया बयान दिया। तो आपने लिबास की बात की तो इसमें एक शेर आता है कि मौसमों के तबादले हैं तुम्हें से, मौसमों के तबादले हैं तुम्हें से, तुम हो तो है बहारा, क्या तुम हो तो है बहारा खिजा तेरे बगैर। क्या बात, बहुत खूब आपने फैस किया दिला दी। रंग अगर कोई रंग है तो शायर कह रहे हैं रंग पैराहन का जो तुमने पहना हुआ, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम में गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। चले भी आओ तो गुच्छन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बारे नौ बहार चले। तो ये आपकी इल्तिजा बहुत मानीखेज है और दिलकश है। हजारों बार इसका दामन भर दिया उसने दो आलम से, चूंकि आपने याद दिलाया तो फैज के गुजरिए मैं कह रहा हूँ, ये जो आप मुंतजर हैं इंतजार है इस पे कुछ बात करें आपसे, और ये शायद हम सब के साथ होता है, आपने उसको तर्जमानी दी है। हजारों बार इसका दामन भर दिया हुस्ने दो आलम से, मगर ये दिल है जिसके खाना वीरानी नहीं जाती, मगर ये दिल है जिसके खाना वीरानी नहीं जाती। हजारों बार इसकी खातिर जर्रे जर्रे का जिगर चीरा, मगर ये चश्म हैरान जिसकी हैरानी नहीं जाती। तो ये क्या हैरानी रही आपके आपकी नजर में, क्या ये एक खला है जिसके लिए आप इंतजार फरमा हैं और मुंतजर ही हुए हैं? देखिए जैसा निर्मोही जी ने शुरू में कहा, हर इंसान अपनी पैदाइश से पहले से लेकर अपनी जीवन लीला के समाप्त होने के बाद तक भी किस्म का मुंतजर है। हर चीज हम एक बीज बोते हैं उसके पनपने का मुंतजर रहते हैं, उसका पौधा बनने के मुंतजर रहते हैं, उसका फल बनने के मुंतजर रहते हैं, उसकी छाया के मुंतजर रहते हैं। हर आदमी अगर मुंतजर नहीं है किसी ना किसी चीज़ का, तो उसके बगैर
जिंदगी में कोई आनंद नहीं। सो मुंतजर जो है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ भी जो है, ये बिकॉज ऑफ मुंतजर है। अगर आप मुंतजर नहीं हो तो आपकी लाइफ की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। सो मेरे जीवन में भी किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा, और मैं उस इंतज़ार का मुंतजर बनके उसके पीछे चलता हुआ जहाँ तक चला आया हूँ, बाकी का जो सफ़र है वो भी मुंतजर बनके इंतज़ार में गुजारूँगा। बहुत कुछ, ये आपका सफ़र है और बहुत खूबसूरती से कट रहा है आपके काम पे, यानी आपके अदब पे मैं आता हूँ। लेकिन आप एक वकील भी हैं और ये बहुत प्यारी सी बात है कि इब्ने इंशा एक हमारे अजीज शायर हुए हैं, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी किया करते थे पाकिस्तान में, दफ्तर से उठे कैफ़े में गए, कुछ शेर कहे कुछ कॉफ़ी पी, दफ्तर से उठे कैफ़े में गए कुछ शेर कहे कुछ कॉफ़ी पी, पूछो जो मार्च का इंशा जी, वो अपना गुजारा होता है। तो आप भी वकालत करते रहे हैं और कर रहे हैं। मैंने इंशा जी से ही जतन जी, वही तो मैं इंशा जी पे इसीलिए आ रहा था कि इंशा जी उठो पूछ करो, इंशा जी उठो पूछ करो, इस शहर में अपना ठिकाना क्या, गए तुम आए हो, शब बीती रात भी डूब चली, सजनी पड़ी पड़ी दरवाजे दरवाजे, क्या बात, रात गए तुम आए हो, सजनी सजनी से करोगे बहाना क्या, क्या बात है। तो आपने जब जतिन जी का प्रयोग किया तो मुझे वो इंशा जी की गूंज सुनाई दी, तो अच्छा लगा। और फैज ने बहुत प्यारी सी नज्म कही, शायद हम सबको पसंद आएगी या आती होगी। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी नाकाम रहे, अपने लिए कह रहे हैं, हम जीते जी नाकाम रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम बिगड़ता रहा। हम जीते जी नाकाम रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम बिगड़ता रहा, आखिर तंग आ करके हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। अब ये फैज का हलफिया बयान था, आप अगर अदालत में कटघरे में खड़े हो तो आपका हलफनामा क्या होगा? वो तो उस जो मौका है उसके मुताबिक ही है। अगर गमे इश्क अगर ना होता, गमे रोजगार होता, तो वो एक रोजगार है जो कटघरा है, वहाँ कटघरे में खड़े होके वकालत करना, जो वो तो एक रोजगार है। तो मेरा रोजगार के साथ प्यार होता। बहुत खूब। और ये तालमेल कैसे बिठाते हैं आप? इसमें कभी कोई दुविधा आई नहीं। मैं हमेशा जो ये प्रोफेशन है इस वकालत में, जो भी आपको मिलता है वो किसी ना किसी मुसीबत से मिलता है। जी। उसकी मुसीबत से आप पैसे भी लेते हो, उसकी मुसीबत को अपनी भी मुसीबत बनाते हो, और उस मुसीबत से कुछ ना कुछ जरूर अगर आप सोचो तो पनपता है। कई ऐसे बातें हैं, इसमें एक गजल भी आती है जिसमें हमारे वकीलों पे लाठी चार्ज होता है, खून बहता है, तो उसके लिए जो इसमें एक लंबी नज़म है कि पेशा ए कवानीन हुई बिस्मिल, पेशा ए कवानीन होता है वकालत, पेशा ए कवानीन हुई बिस्मिल, पेशा वर है सोगवार, पेशा है गम, पेशा वर है सोगवार, पेशा है गमजदा। तो फिर लंबी है, उसमें वकालत की बात आती है, हमें क्या करना चाहिए, रेवोल्यूशनरी बनना चाहिए,
मसीहे बनना चाहिए, मसीहों पे उंगलियां ना उठाएं। हमारे एक वकील साहब थे जो उस एजिटेशन को लीड कर रहे थे, मगर जैसे हमारे प्रोफेशन में होता है टांग जल्दी खींच जाती है, तो उस एजिटेशन में ही टांग खींची, तो उसके लिए मेरे को दुख भी हुआ। तो उसके लिए मैंने एक शेर लिखा, कभी खलूसे निगाह, कभी खलूसे निगाह दीदाए मोहब्बत से भी मुझे देख, कभी खलूसे निगाह दीदाए मोहब्बत से भी मुझे देख, मेरे गुनाहों के जरोखों से ही ना जांका कर मुझे, मेरे गुनाहों के जरोखों से ही ना जांका कर मुझे। सो वो ऐसी पेशे से रिलेटेड बहुत सारी नज़्में हैं। बहुत इल्तिज़ा जो आपकी है बहुत गहरी है और इसमें रम्ज है कुछ। ये जो कन्विक्शन है, ये जो एक मुतमईन होने का जज्बा है भीतर, जिस पे हम टिके रहते हैं, एज अ शायर आप टिके रहते हैं, जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिश लैलो निहार रखते हैं, तो जो उस्तवार रहना है, पुख्ता रहना है, और इंतज़ार का टिके रहना है, ये कहाँ से आता है? इंतज़ार का टिके रहना तो उम्मीद पे ही मुनस्सर होता है। अगर उम्मीद नहीं तो इंतज़ार करना फिर पागलपन हो जाता है। इंतज़ार जो है इसी में आता है, मेरी मानो तो इंतजार जी हाल को मुलतवी करना है। हाँ बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी मानो तो इंतजार हाल को मुलतवी करना, हाल को मुलतवी करना है। सो जी इंतजार जो है ये अगर स्थाई हो जाता, अगर टिका रहता, तो फिर इंतजार का मजा खत्म था। ठीक है, इंतजार जो है उसका मजा तब तक ही है जब तक वो इंतजार है। जब इंतजार पूरा हो गया उसका मजा जाता रहता है। जब तक मिले न थे जुदाई पे था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। तो इसलिए जो है इंतजार का इंतजार रहना ही ठीक है। नहीं, ये बहुत बहुत जरूरी है। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, अब इंतजार एक ऐसा चिराग है जिसे आपको इन्हीं हवाओं में जलाए रखना होगा। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। तो ये जो आप आपकी जो पहली गजल या नज्म है, क्योंकि अब इन्हें गजलें कहें या नज्म कहें ये तय करना जरूरी नहीं है, पर ये कलाम है आपका बहुत खूबसूरत। जबान की बात में बाद में करूंगा आपसे, क्योंकि बलकार जी ने भी बहुत प्यार से उस पॉइंट को टच किया कि आपने उर्दू को एक अपने ही अंदाज से लिया है अपनी गजलों में और अपने कलाम में, न सिर्फ जबान बल्कि आपने उसका फॉर्म भी बिल्कुल अपना एक यूनिक रखा है। तो जो पहला कलाम है आपका एतबार, और एतबार और इंतजार, अब ये आसान नहीं। रिश्तों का एतबार, वफाओं का इंतजार, हम भी चिराग लेके हवाओं में आए हैं, तो अब ये एतबार कहाँ से आता है और किस पे है? बगैर एतबार के इंतजार हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा जी, इंतजार उम्मीद पे ही मुनस्सर है जी। उम्मीद तब होती है जब एतबार होता है जी, इसीलिए मैंने एतबार को, मैंने वो शुरू में जो लाइनें पढ़ी थी वो इसी की थी, मगर मैं ये नज़म कहता हूँ कि एतबार था बहुत, एतबार था बहुत, इंतजार रहा मुंतजिर चल बसा, मुंतजिर चल बसा,
इंतजार रहा डेथ के बाद भी, क्योंकि हमारी जो फिलोसफी है, ये पॉइंट मैं चाहता था, हमारा अगर हिंदुइज्म में बात करें पुनर्जन्म की फिलोसफी, हम फिर कहते हैं सारी उम्र हम अच्छा काम करने का सोचते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि हमें अगला जन्म अच्छा मिले। हकीकत है और इंतकाम है, कयामत है, जो उर्दू में या मुस्लिम में कयामत की बात रहती है। मैं इस गज़ल के बीच में ही पहले वो आपको किस्सा सुनाता हूँ, हश्र के दिन का, कि मेरी मदर इन लॉ, उन्हें अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो गया था। रेणुका ने मेरे को वो खबर सुनाई, मैंने उसकी आवाज़ से उसके दर्द को पहचाना और उसके आने तक मैंने एक गज़ल लिखी। वो था कि दीदाए हद से अब दूर निकल जाओगी, दीदाए हद से अब दूर निकल जाओगी, है हकीकत के हकीकत से खाब बन जाओगी, है हकीकत के हकीकत से खाब बन जाओगी। अब उसका एंड में था, फिर इंतजार पे बात आ जाती है। अब उसे रोज मिलते थे, वो जाने वाली थी, फिर उसे यकीन दिलाया, अंजुमने फरिश्ता में हमारी मुंतजिर रहना, क्या बात, जन्नत में हमारी इंतजार करना, अंजुमने फरिश्ता में हमारी मुंतजिर रहना, वक्त आने पर ना चाह कर भी शरीक होंगे, वक्त आने पर ना चाह कर भी शरीक होंगे, ये वादा रहा, जे वादा रहा कि मिलूंगा तुझे मैं कयामत से पहले, जे वादा रहा कि मिलूंगा मैं तुझे कयामत से पहले, निभा सकूं ना जो मैं तू कयामत पे चली आना, निभा सकूं ना जो मैं तू कयामत पे चली आना। सो मैं उसका, मुझे फिर भी था भी वो जा रही है, वो मेरा इंतज़ार करेगी, हम उसका इंतज़ार कयामत तक करेंगे। तो फिर मैं इस गज़ल पे आया जो आपने पहली गज़ल की, उसमें एक शेर है, उसको बीच में शेर कोई ले लेते हैं। इंतज़ार है, इंतज़ार में थोड़ी बेईमानी है, अमानत में थोड़ी खयानत है, खयानत है। दानिश्ता बहुत खूब, दानिश्ता का मतलब होता है इंटेंशनल। दानिश्ता इलाज में कसर रखी, डॉक्टर ने जानबूझ के इलाज प्रॉपर नहीं किया। दानिश्ता इलाज में कसर रखी, उम्र भर यूं ही तबीब तीमारदार रहा। उसने उसका इलाज ही नहीं किया और सारी उम्र उसका हाल पूछने ही आता है। दानिश्ता इलाज में कसर रखी, तमाम उम्र यूं ही तबीब तीमारदार रहा। जतिन जी उठो, उठो जतिन, बाको ईमानदारी की बात पे मैं आता हूँ, पर आपने जो बात छेड़ी उससे सब लोग मुस्कुराने पे मजबूर हुए। मैं भी आपको थोड़ा सा और गुदगुदाने वाली कोई बात कहता हूँ, क्योंकि एक वकील साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, तो ऐसे जहन में कुछ आ रहा है। खैर है कि दुश्मनी हुई वकील से, खैर है कि दुश्मनी हुई वकील से, जहर उसके पास है लेकिन पिला नहीं रहा। तो दोस्ती करने के लिए आप सजग रहते हैं, दुश्मनी भी थोड़ा देख समझ के कीजिए, जिससे कि अगर इलाज भी होना है तो वो
बस तीमारदारी चलती रहे और इलाज पूरा न किया जाए, ना दवा दी जाए ना जहर दिया जाए। चलिए, उसमें उसका लालच उसको मिलने का था। हाँ। उसका कोई और उसका इरादा नहीं था, उसको मिलना चाहता। बहुत प्यारी बात है। और उस पे तो मैं यूं कहूंगा कि जैसा गालिब ने कहा है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा सास होता, कोई गम गुसार होता। तो आपका जितना कलाम है वो दिल से रूह से आता है और बहुत सारे हुदूद, बहुत सारे लिमिटेशंस को पार करके आप इन लफ्ज़ों को एक आकार देते हैं। और इसी दुनिया में दिस रियल वर्ल्ड, द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ विच डिस्टर्ब अस, दे डिस्करेज अस, मे बी डिरेल आर मोस्ट ऑफ अस, आप जैसा मैंने कहा आप वहाँ टिके रहते हैं और वो ज़मीन नहीं छोड़ते हैं। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी और ये आपके सभी रचनाओं में, सभी कलाम में ये कॉमन है और ये कर पाना मुश्किल होता है इस दुनिया में, तो इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। दिस इज समथिंग टू बी रियली अप्रिशिएटेड। और आप सब जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, मुश्किल होता है इस मियार पे रुक पाना। सदियों सदियों वही तमाशा, रास्ता रास्ता लंबी खोज, लेकिन जब हम मिल जाते हैं खो जाता है जाने कौन, लेकिन जब हम मिल जाते हैं खो जाता है जाने कौन। वो मेरी परछाई है या मैं उसका आईना हूं, मेरे ही घर में रहता है मेरे जैसा जाने कौन। बकार साहब ने तो तंगिन जी कहा ही था कि उन्हें ये इत्मीनान है कि ये रेणुका जी के लिए नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई वाज जस्ट, हो सकता है बकार जी गलत हो, हो सकता। ये अच्छा था, इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप कोर्ट रूम में कितने अच्छे से केसेस संभालते होंगे। तो बात आपने कही जी, मैं जो बलकार जी की बात का ही जवाब देता हूँ। ये बड़ा एक बीच में मुद्दा सब रहेगा, मुंतजिर किसके, मुंतजिर मैं इस पे लाना चाह रहा था। तो उसमें ये है, रेणुका है, सो इलम नहीं, इलम नहीं, इलम नहीं किसका हूं मुंतजिर मैं, इलम नहीं किसका मुंतजिर हूं मैं, दिल में खलिश तेरे नाम की है, दिल में खलिश तेरे नाम की है, ना काफी है, ना काफी है हर सागर मेरी तिश्नगी के लिए। क्या बात, ना काफी है हर सागर मेरी तिश्नगी के लिए, मुझे तो प्यास तेरे लबे जाम की है। क्या बात, क्या बात, मुझे तो प्यास तेरे तो खलिश दिल में तेरे नाम की है। बहुत, तो मैंने एक ऐसे एक नज़म सुनाता हूँ जी, अच्छा, जो बलकार जी के डाउट क्लियर करेगी। बलकार जी, यू नो मी वन, क्योंकि मैंने आपकी बात को यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना आप तो बोल के चले गए थे और ये बातें वही रह जाती। आप तो ये बलकार जी पे या सभी सुनने वालों पे मनसर होगा, अभी वो देखें जी भाई मुद्दा क्या हो सकता है। जो भी गुजरी तेरे पहलू में खुशगवार गुजरा, जो भी गुजरी तेरे पहलू में खुशगवार गुजरी, मेरी खिजाएं भी बनके बहार गुजरी, मेरी खिजाएं भी बनके बहार गुजरी, निगे आलूत नेहल से, नेहल साड़ी डॉटर का नाम है, पर नेहल का मतलब होंदा है जिहड़ी स्प्रिंग सीजन दे विच फर्स्ट बुशार हुंदी है, उसनू नेहल कहते हैं। निगे आलूद नेहल से बीगे हैं ख्वाब,
तसव्वुरे नदीमा जो गुजरी जरकार गुजरी, तसव्वुरे नदीमा जो गुजरी तरकार गुजरी, मेरे अफकार में नेहा है तेरी मोहब्बत। बलकार जी गौर करना, मेरे अफकार में है नेहा तेरी मोहब्बत, जो चाहते शरीके हयात बन अफकार गुजरी। मक्ता अर्ज है रियाकारी नहीं, रियाकारी फ्रेम नहीं, रियाकारी नहीं ऐलाने अहदे वफा जानो, रियाकारी नहीं ऐलाने अहदे वफा जानो, ता हशर यूं ही गुजरे, ता हशर यूं ही गुजरे जैसे अब की बार गुजरे। क्या बात, क्या बात। तो आपने ये बहुत खूबसूरत एक माकूल जवाब दिया, और ये तो कुछ ऐसी बात है कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो जवाब आपका तैयार था, गालिब याद आ गए। मेरे ख्याल से वो आपके जो जहन में बातें आ रही हैं उनका मकबूल जवाब होगा कि रहा तेरे नशे में डूबा, कुछ याद नहीं है मुझे, रहा तेरे नशे में डूबा कुछ याद नहीं है मुझको, कैसे कटे जे रस्ते कुछ याद नहीं है मुझको, चेहरे की सिलबटों से एहसासे सफर है जाहिर, ओल्ड एज आनी शुरू होगी, क्या बात। चेहरे की सिलबटों से एहसासे सफर है जाहिर, कैसे कटे जे रस्ते कुछ याद नहीं है मुझको। अब गौर फरमाना, तेरी कशिश हुई ना मर्दम, दौरे उम्रा में गुजरा, क्या बात है। तेरी कशिश हुई ना मर्दम, दौरे उम्रा भी गुजरा, कहां वक्त थम गया था, कहां वक्त थम गया था, कुछ याद, कुछ याद नहीं है मुझको। मगता है जी आफ्ताबे हयात कब मगरिब को किसक आया, जी आफ्ताबे हयात कब मगरिब को किसक आया, तुम्हें इलम हो तो बताना कुछ चार, आप सबके लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो नज़्म अभी जतिन जी ने सुनाई आपको, ये 25वीं सालगिरह नाम की नज़्म है, पेज नंबर 59 पे, 59 पेज पे इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। और आखिरी शेर कहते हुए उनके हाथ का इशारा बेसाख्ता उधर ही गया था, तुम्हें इल्म हो तो बताना कुछ याद नहीं है मुझको। तो रेणुका जी आपको भी बधाई, आप दोनों को इस खूबसूरत यात्रा के लिए। और तो एक सवाल और, आपको कुदरत से बहुत प्यार है, पेड़ पौधों से, बागवानी भी करते हैं और बहुत पौधे लगाए भी हैं हजारों की संख्या में। सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़, खट्टा खट्टा मीठा मीठा, यानी तेरे नाम का पेड़। तो ये जो ये जज्बा है इसके बारे में कुछ बताइए। नेचर से मेरे को मेरे बचपन से ही प्यार था, अमृतसर में मैं पैदा हुआ, उन मोहल्लों के जो घर थे धूप के लिए हवा के लिए छत पे ही जाना होता। शाम को घर के पास
नाशपाती अमरूद के बाग थे, तो पंछी वापस जाते तो मेरे को बड़ा डुबाते। उन घरों में बचपन से ही मैं पौधों का शौकीन था, जहाँ तक कि करते 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 आज भी मैं 450 गमला अपने घर में, जितनी मेरे पास जगह है उसमें लगाया, कोई 5-6 हज़ार के करीब मैंने शहर में पेड़ भी लगाए। मैंने किसी को बुके नहीं देता, मैं एक लिविंग प्लांट देता हूँ, और कहीं कोई मर्ग हो जाती है तो उसे श्रद्धांजलि के लिए मैं उसी सीजन के प्लांट देता हूँ, ताकि वो पेड़ लगाएं और अगली बार पेड़ खिले हों और वो अपने बुजुर्गों को या घर का जो भी आदमी क्या याद करें आपकी छाया के नीचे बैठे उसको। इसलिए मेरे को पौधों से बेनतहा, और मैंने इस पेड़ की दुख से कि जब आदमी की चिता जलती है, ये बात मैं चाहता था आप कहें, तो वो मेरे को हर बार नजर आता भी ये आदमी की चिता नहीं, ये तो उस पेड़ की चिता है जिसके ऊपर आदमी को लटाया गया, उसे जलाने के लिए एक पेड़ कटा, उस पेड़ की चिता बनी, उसके ऊपर एक आदमी को लटाया गया, मेरे को दुख होता। और मैंने उसके लिए ये फैसला किया भी मेरी जो बॉडी है उसको जलाया ना जाए, और मैंने अपनी बॉडी पीजे को डोनेट किया, ने भी डोनेट की, हम दोनों ने बॉडी को डोनेट किया, और ये कहा कि जब मेरी मरने के बाद मेरी कोई साल गिरा हो या कुछ हो, उस दिन पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, और मेरे को श्रद्धांजलि पौधों से दी जाए, ना कि पार्टियों से दी जाए। बात हो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग, आई थिंक वी ऑल नीड टू टेक अ लीफ फ्रॉम दिस। एक बात जबान के बारे में, देन वी विल वाइंड अप। आपने जिस जबान को चुना है इन इन इस सारे कलाम में, अपने दीवान में, उर्दू, और उसकी खूबसूरती की बातें तो हम जानते ही हैं, और आपने उसका एक नया रूप एक नए आकार में हमारे सामने पेश किया है उसे। मैं मानता भी हूँ इस बात को, किस वास्ते ठेठ बने रहिए, किस वास्ते ठेठ बने रहिए, ज़रा रंग बदल के नज़र कहिए, ये जो उर्दू जबान हमारी है 100 रंग है इसके दामन में। और ऐसा ही नहीं कि उर्दू, हिंदी में भी हम अपनी जबानों से पंजाबी में भी मोहब्बत करें और उनमें मेहनत करें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो कुछ जबान के बारे में जिसको आपने बढ़ता है इस्तेमाल किया है, ये आप कहाँ से लाते हैं, इसके लिए कुछ कहिए। देखिए, ये तो पढ़ने से ही आती हैं, अक्सर लिटरेचर पढ़ता हूँ जी, और ये जुबान जो थी, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत अच्छा उर्दू जानते थे, बचपन से ही घर में हिंद समाचार प्रताप अखबार आता था जी, वो पढ़ते ही मैं उनसे बातें सुनता। नाना मेरे पर्शियन के टीचर थे, एंड आई फील प्राउड वो मोहम्मद रफ़ी के टीचर थे, क्या क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जहाँ पैदा हुए कोटला शाह सुल्तान, उसके साथ का जो गांव था वो शाम नगर था, जहाँ नाना जी रहते थे, और स्कूल एक ही होता था, तो वो पर्शियन के टीचर थे, और उनके जो शुरू की तालीम थी वो उसी स्कूल से उसने दी, और वो पढ़ाते थे। जो जैसे पलकार जी ने कहा, बहुत सारी बातें हैं जो इस जबान के सिवा किसी और जुबान में कही नहीं जा सकती थी। सो जो ही मेरे जिस तरह का भी ख्याल आता, मैं उस ख्याल को लिखने के लिए जो भी मीडियम होता, जैसे पंजाबी की किताब है मेरी जो बड़ी मकबूल रही, उसमें जो पंजाबी में लिखा, जो मेरे पंजाब में मेरे मन में आया, पंजाबी मेरी क्योंकि मदर टंग है, और मैं उसके लिए पंजाबी के लिए मेरे को उससे ज़्यादा इश्क है, और मैं पंजाबी में आज भी लिखना चाहता हूँ। और मैंने जैसे आज इस किताब को ख़त्म किया, हम बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि अगले साल सभी के रूबरू हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अगली किताब की कुछ प्लानिंग बता दी। अगली किताब जो है वास्ता के नाम से, वो पंजाबी की वास्ता,
और मैं ये भी आपके हवाले से सबको कह दूँ कि ये कोई एक दो साल में लिखी हुई गजलें नज़में नहीं है, ये लगभग पिछले दो दशक का आपका एक मुसलसल कलाम है जिसे आपने कंपाइल किया है। और आपने अगली किताब की बात हमें बताई, हम उसके मुंतजर रहेंगे। और मैं जो आपने कहा कि सफ़र है भी इतने साल का जी, तो मेरे जब कोरोना था तो मेरे परिवार ने जो कहा भी इनको क्यों ना बाहर निकाला जाए, बहुत खूब। उसके लिए मैं दो लाइनें कहूँगा। अच्छा। कि गमे हिजरा, गमे हिजरा जो पीता रहा मुसलसल, गमे हिजरा जो पीता रहा मुसलसल, सरे बाजार वो आंसू बहाने चला। सरे बाजार, तभी मैं इनको लाया जो मेरी ये चीजें थी नहीं। सरे बाजार वो आंसू बहाने चला हूं, आह तक की जिनसे इजाजत ना हुई नसीब, आह तक की जिनसे इजाजत ना हुई नसीब, लहू से लब वो जक में उल्फत दिखाने चला। क्या बात, क्या बात। ये सारे रक्त, ये मोहब्बतें, ये जरूरी है कि ये खोले जाएं, फरोले जाएं। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वे खत तो निकालो यारो, तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे खतूत होंगे, ऐसा बहुत कुछ होगा। उनको हवा दिखाइए और ये इंस्पिरेशन लीजिए यहाँ से। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, और जो मिला खुद को ढूंढता ही मिला, तो मैं तो आपको ही ढूंढता रहा हूँ आपकी नज़मों में। जो मिला खुद को ढूंढता ही मिला, चलने वाले को रास्ता ही मिला, खुद से ही मिलके लौट आए हम, हमको हर सिमत आईना ही मिला। तो ये जो आप मुंतजर हैं, ये इंतज़ार कायम रहे, आप मुंतजर रहें और इसी तरह हमें नवाजते रहें अपने कलाम से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन जी और अमूल्य जी, और ज़ोरदार तालियां एक बार इंटरेक्शन पर होनी ही चाहिए। बहुत सारी शेर वेर सुनने को मिली, और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर अर्चना सिंह, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी। वो एक कविता पढ़ेंगे हमारे सामने, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रोफेसर अर्चना आर सिंह। कितनी सारी कविताएं हम सब सुन चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था बैठ के सुनने में भी, लेकिन ये मैं पूरा पढ़ के आई, और इसमें से मैं कौन सी सुनाऊं, मेरे लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज था। थोड़ी सी आसान है जो मुझे अच्छे से समझ में आई। लिखते रहो जब तलक, लिखते रहो जब तलक कलम पे कलम बेजुबान न हो, लिखते रहो जब तलक कलम बेजुबान न हो, उसकी खामोशियों से तू पशेमान न हो, अपने जज्बात उनकी नज़र करते रहिए जला, अपने जज्बात उनकी नज़र करते रहिए जनाब, उसकी नज़र उदास न हो, तुम्हारे जज्बात वीरान न हो। तेरे अशार के मुकद्दर में क्या जाने क्या है लिखा, तेरे अशार के मुकद्दर में क्या जाने क्या है लिखा, वो पढ़े न पढ़े इस बात से तू परेशान न हो, जवाब नहीं देते उम्मीद जिंदा तो रखते हैं, जवाब नहीं देते उम्मीद जिंदा तो रखते हैं, उनके इनकार करने से बेहतर है उनकी जुबान न हो, तू परेशान न हो। तू परेशान ना हो, और
जीवन में हम कहते तो जरूर हैं कि तू परेशान ना हो, लेकिन परेशान होना ही पड़ता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और या हम ये भी कहते हैं कि हम खुद बुरे बने हैं, ज़माना बुरा नहीं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो परेशानियां हमारे आसपास आ ही जाती हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू, डीलिट हैं, भारतीय प्रसारण सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, पूर्व में उप महानिदेशक सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, निदेशक दूरदर्शन एवं पूर्व मीडिया व अध्यक्ष जन संचार पत्रकारिता विभाग डीएवी विश्वविद्यालय जालंधर, एक चर्चित लेखक, मीडिया विशेषज्ञ, ब्रॉडकास्टर, एक बहुआयामी चिंतक और सृजनशील व्यक्तित्व के मालिक हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि देर कर दी तुमने आते आते। चंडीगढ़ के मेरे मित्रों, एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुखातब हूँ। वो चरणजीत सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। अभी आपने धुआंधार मोहब्बत का इजहार, इंतज़ार, मुंतजिर और ये चश्ते उर्दू में कितनी बातें आपने सुनी, और कुछ तो मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी वाले बैठे हैं उनके सर से ऊपर से निकल गए, अब माने भले ना माने। और अभी मैं ये भी सुन रहा था कि जब शुक्ला जी कह रहे थे, इनसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उससे पहले जो बड़ा तड़का लगाया, कहाँ है पलकार जी, इन्होंने और बड़े भारी भरकम शब्द ढूंढ ढूंढ के लाए। अब इस उम्र में आके और इस तरह की सदारत करते हुए, माफ करना जनरल साहब के, ये अच्छा भी लगता है इस उम्र में, पर ये बचता कुछ नहीं है कि कहा क्या जाए। सारी की सारी शायरी जतिन जी की का मुताले कर दिया, सारी की सारी शायरी का एनालिसिस कर दिया, और अच्छी शायरी के जो कपलेट्स थे, शेर थे, इशार थे, वो भी आपको सुना दिए। अब हमारे जैसे जो लास्ट वक्ता होते हैं, मेहमान खसूसी और मेहमान आम, अब उनके लिए बचता क्या है, ये बड़ा जोखिम भरा काम है। और ये उम्र के उस पड़ाव में आता है जब आपका बहुत कुछ होता है आपके पास जिसको आप शेयर करना चाहते हो। फैज से लेके इन्होंने कितने लोगों को तौरफ में डाल दिया। और मैं आपको बताता चलूं कि मैं कुछ खुशकिस्मत रहा, जिस इब्ने इंशा की इन्होंने बात की, मैं उसी शहर से आता हूँ जहाँ इब्ने इंशा पैदा हुए थे, नगोदर में। और नगोदर का इलाका जो है, मैं आपको बताता चलूँ, उर्दू शायरी का एक तीसरा स्कूल है। मीर और गालिब के बाद योश मलसयानी पद्मश्री जो हुए उर्दू शायरी के, वो मैं उनके पास बैठता था जब मैं 14-15 साल का था, जिसकी ये बात कर रहे थे। तो फैज साहब ने कहा कि जख्म जब तुम्हारी यादों के भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, तो ये जो मुंतजर वाला सिलसिला है ना, ये उन जख्मों की एक तरह की व्याख्या है, एक तरह की सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट के बीच का जो जहाँ ठहराव होता है वो है। और मुझे लगता है कि जिंदगी में हर आदमी शायर है और हर आदमी आशिक है। कोई जिंदगी को जिंदाबाद कहता है, कोई ताउम्र उस शोर पे खड़ा हुआ, उस किनारे पे खड़ा हुआ गिनता रहता है। और तभी मैं आपकी मोहब्बत की, आपकी शेरों की और आपकी इस एंथोलॉजी की कहना चाहता हूँ कि एक शेर है, तेरी मेरी दोस्ती होनी थी बदनाम, पानी पे लिखते रहे अपना अपना नाम। ऊपर से निकल गया हो तो दोबारा सुना दो। तेरी मेरी दोस्ती होनी थी बदनाम, पानी पर लिखते रहे अपना अपना नाम। पर जिस गजल को बात की है इन्होंने उर्दू अदब की, ये दुनिया भर में सबसे मकबूल विदा है और सबसे मीटर में लिखने के लिए सबसे मुश्किल बाहर भी है, और जिसको उस्ताद ही निभा सकते हैं। और जतन जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं इनके इशार पढ़ रहा था। रूमी ने एक जगह पे लिखा कि जब आप आदमी बनने की कोशिश करते हैं तो आदमी नहीं रहते, आप खुदा की खुदाई में
लग जाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। इट मीन द मैन इज पैरेलल टू गॉड ऑलमाइटी। ये आदमी की कुव्वत है, ये आदमी की ताकत है। और यदि ये नहीं होता तो फिर मिर्जा गालिब ये भी नहीं कहते कि बदल कर भेज सम फकीरों का गालब तमाशाए अहले करम देखते हैं। और ये जो चीजें हैं ये एक उम्र के बाद आती है, पर उम्र के लास्ट मरहले पे मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में आते जो मैं चंडीगढ़ वालों को ये भी मुबारक देता हूँ कि यहाँ पे लोगों के पास सुनने के लिए और लिखने के लिए समय बहुत है। मैं पहले बहुत समय, लंबी लंबी अदबी नशिस्तें होती हैं, लंबा लंबा वो होता है। इस देश की खूबसूरती यही है कि इसकी कविता में, इसके अदब में, इसकी जिंदगी में एक वो नाद बहता है जहाँ मानवीय सरोकार है। एक पैरेलल ये तो प्रोसेस। मुंतजर होना बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और आपने इस उम्र में आके ये किताब लिखी है, यदि मैं होता तो मैं इसको 25-26 साल की उम्र में लिख लेता क्योंकि वक्त बीतने के बाद मुंतजर के अर्थ बदल जाते हैं। आपने जहाँ फैज साहब की बात की थी शुक्ला साहब ने, तो मेरे को याद है कि फैज साहब की बेटी सलमा चंडीगढ़ आई। मैं जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल था दूरदर्शन का, तो हमने उनके एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। तो मैंने सलमा से पूछा कि जब तेरे अब्बा को फैज साहब का नकार हुआ श्रीनगर में अंग्रेज मेम के साथ, अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर थे वो काजी बने, और हमारे बहुत ही मेहरबान दोस्त उर्दू के यहाँ वाले केएल जाकिर साहब, इन्होंने वो आयतें पढ़ी कि उनका नकाह हो गया, तो मैं क्या आप कहाँ थी? ये तो इंतजार है, ये नकाह के वक्त से पहले और बाद में भी रहता है, हुजूर इसको बनाए रखिएगा। जिंदगी की सरगर्मियां और सरगोशियां इसी में है कि आप जिंदा रहो और अपने एहसास को एहसास से कमतरी ना होने दो, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आप हो इंतजार और मुंतजिर, हो तो हो, उसमें क्या है, आशिक है तो है, यदि वो नहीं था तो फिर बुल्ले शाह की शायरी झूठी हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा है वो प्रभु श्री राम जी की जो कल्पना नहीं है, वो उनका यथार्थ है और वो मर्यादा को देता है, और वो भी पोइट्री है। रुकलियन साहब यहाँ नोएडा में अंतिम दिनों में रहती थी, तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि उर्दू की तहजीब क्या है। उसके पीछे पूछने का मर्म ये था कि उर्दू जो लफ्ज है उसका तलफ्फुज और उर्दू की जो रवानी है, भाषा की जो शाइस्तगी है, वो है क्या। तो उसने जो कहा, आप दंग रह जो हुए, उसने कहा कि इतना कि मैंने शादी नहीं की और बहुत रिश्ते आए, और एक अंग्रेज रिश्ता पढ़ा लिखा बलायत से आया, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई थी, दानिश्वर थी। तो उसने कहा कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, और मेरे अब्बा ने कहा कि ये देख लो। तो जब मैंने उससे उर्दू के बात की तो उसने जिस ढंग से चाय का कप पकड़ा, तो मेरे को लग गया कि इसको उर्दू क्या, इसको ये भी तहजीब नहीं। ये जो है जरा सा एहसास ये आपके अर्थ के अनर्थ कर देता है, और आपकी शख्सियत पूरी की पूरी माइनस हो जाती है। और यही शब्द होते हैं जो आपकी शख्सियत को चार चांद लगा के गुरु बना देते हैं। ये जिंदगी है और ये अदब का माशरा है। और चलते चलते आप सबका बहुत शुक्रिया, और बशीर बदर साहब के इस शेर के साथ कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने नहीं कहा। तो जो कि मैंने नहीं कहा वो भी आपने समझ लिया है, सुना है। जिंदगी जीना आपका काम है, जिंदगी मुस्कुराती है तो आप भी मुस्कुराते रहिएगा। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और सही बात भी है, कहते हैं कि जिंदगी नाम है हिम्मत का हौसलों का यारो, जिंदगी नाम है हिम्मत का हौसलों का यारो, स्याह अंधेरों में भी चलाए हैं हमने दीप कई। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर हरदीप चांदपुरी, पब्लिशर हैं इस बुक
कि पब्लिशिंग जो है उनके ही पब्लिशिंग हाउस से, जो फर्न ट्री ब्रॉडकास्टर हैं और इस समय कैपिटल एफएम को हेड कर रहे हैं। हरदीप चांदपुरी मंच पर आए और इस किताब के बारे में, जतिन जी के बारे में चंद शब्द कहें। रिस्पेक्टेड मलिक सर, मलिक मैम, जतिन सलवान जी, रेणुका जी, सत्तू जी एंड एवरीबडी एल्स, थैंक यू फॉर कमिंग। और जतिन जी, आपके परिवार को, रेणुका जी को बहुत बहुत बधाई। मेरी बहुत खुशकिस्मती है बीइंग अ पब्लिशिंग हाउस कि जतिन जी ने हमें दोबारा चुना ये किताब छापने के लिए। इनकी पहली किताब फूडी, वो भी मैंने छापी थी। इससे मेरे को एक बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे कुछ उर्दू के और भी लफ्ज़ समझ आने शुरू हो गए। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ, ये एक पोएट, राइटर, एडवोकेट वो तो है ही, मगर एक बहुत 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 ही एक अच्छे इंसान हैं। और कम लोग हैं ऐसे जो हमें आजकल देखने को मिलते हैं। मैं कुछ भी चीज़ अगर मुझको नहीं समझ आती थी तो मैं इनको फ़ोन कर लेता था, और जितनी भी बार मैं इनसे वार्तालाप हुआ तो बहुत अच्छा लगा। एक एहसास हुआ मुझे इनसे जब भी मैं बात करता था कि ये कितने फ्री हैं और हम कितने गुलाम हैं। मुझे पहले खुद भी समझने का समय लगा। ये एक ऐसे वाहिद इंसान हैं जो मोबाइल फ़ोन नहीं रखते हैं और हम मोबाइल फ़ोन के गुलाम हैं। तो सर, आपको सल्यूट फॉर द राइटिंग एंड फॉर कीपिंग अस इनफॉर्म्ड एंड राइटिंग सच लवली स्टफ। आई कंग्रेचुलेट यू, योर फैमिली एंड एवरीबॉडी एल्स। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आज के मुंतजर जतिन साहब को ऑनर करना चाहेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा वीपी मलिक साहब से कि वो मंच पर आएं और के रत्तू साहब मंच पर आएं। जतिन सलवान, उन्हें हम ऑनर कर रहे हैं। जोरदार रविया बलकार से दूर भी इनके साथ आ रहे हैं। और जब हम मलिक साहब की बात करते हैं तो एवीएसएन, पीवीएसएन, कारगिल युद्ध में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये खुद भी एक ऑथर हैं। अब देखिए किस तरह से शायरी एक दूसरे तक पहुंचती है। मलिक साहब यही बात कर रहे थे और ये खुद भी राइटर हैं। इन्होंने कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री और इंडियाज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिप्लोमेसी लिखी है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और कारगिल युद्ध का योगदान हम नहीं भुला सकते हैं, उसके लिए भी इनके लिए जोरदार तालियां। और अब जनरल वीपी मलिक साहब को सम्मानित किया जा रहा है। और अब डॉक्टर के रत्तू, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बलकार सिद्धू जी को सम्मानित किया जा रहा है। चलिए, होस्ट के गले में भी शॉल डला, अच्छा लगता है। और खूब जोश से इन्होंने मुंतजिर की शायरी की। एप्रिसिएशन ऑफ फिल्म टीम जो है, मीट मुंतजिर जिन्होंने बनाई है, टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसा हमने आपको बताया कि डायरेक्टर और जसवी शर्मा रजत कमल अवॉर्डी हैं इनकी फिल्म एडमिटेड के लिए। और एक जो नई फिल्म आजकल आप देख भी रहे होंगे, रब दी आवाज, उसे देखना और सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि रब दी आवाज सुनी जानी चाहिए। और जसवी शर्मा डायरेक्टर बीट मुंतजिर, टीम के सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। संदीप, और ये जो आपने फोटोग्राफी देखी उस पूरी वीडियो, ये इन्हीं का काम था। और नवजोत सिंह, म्यूजिक नवजोत का है, नवजोत के लिए जोरदार तालियां। हम ये कह देते हैं कि व्यक्ति दृष्टि बाधित है, उसे समस्या है, वो दिव्यांग है, लेकिन ये नहीं जानते कि कितनी खूबियां उनमें छुपी होती हैं। जोरदार तालियां। भास्कर पांडे, एडिटर एंड हेड ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन, चाइल्ड आर्टिस्ट, सानवी शर्मा। एक बार
जो फिल्म है उसका पोस्टर टीम और जसवी जो है वो देना चाहेंगे जतिन सलमान जी को। इस मौके के लिए मैं जतिन सर, रेणुका मैम का खास धन्यवाद करना चाहूँगा। एक शायर के साथ सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने उनकी कविता सुनी, उनकी शायरी सुनी, कई वर्ष बिताने भी पड़ते हैं साथ में, उन्हें समझना भी पड़ता है। और मुंतज़िर इतना वक्त जतिन सर को इसको लिखने में लगा, उतना बनाने में भी लगा, मैं उतना समझने में लगा, उस गहराई में जाने में लगा कि मुंतज़िर ये आखिर हैं किसके। तो आज सर भी जिक्र कर रहे थे कि हमें लिटरेचर को बचाना है, लेकिन जिस जो कला भगवान ने मुझे बख्शी है और जिस पे मैंने काम किया है, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि हम सिर्फ ना केवल लिटरेचर बचा पा रहे हैं, लिखा हुआ बचा पा रहे हैं, लेकिन आवाज़ को भी बचा पा रहे हैं और शख्सियत को भी हम पर्दे पर उतार करके उनकी जो वो कैसे अपनी शायरी को रखते हैं वो भी हम अपनी फिल्मों के थ्रू बचा पा रहे हैं, और ये लगातार करते भी रहेंगे। जय। और मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं अमूल्य शुक्ला जी। सिंचित सिंह हमारे बीच में है, और जितने भी क्रिएटिव आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्टर्स और ये सब कुछ, ये इन्होंने किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। हरदीप चांदपुरी जी, और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये खुद जतिन जी ने चुने हैं और खुद इसमें लगाए हैं, ये क्योंकि पौधों से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, तो ये प्यार इनका दिखता है। भूपेंद्र मलिक जी, आज के हमारे सूत्रधार के लिए खूब सारी ताड़ियां सर के लिए निर्मोही जी, उनको मैं शुभकामनाएं दे रही। धन्यवाद प्रस्ताव हेतु अब हमारा अनुरोध रहेगा श्री भूपेंद्र सिंह मलिक, महासचिव पंजाबी लेखक सभा चंडीगढ़, श्री भूपेंद्र मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मोही जी, क्योंकि पंजाबी लेखक सभा है तो उसका फंक्शन है, तो मैं इजाजत चाहूँगा कि कुछ शब्द पंजाबी जी कहाँ। बहुत सत्कारयोग जनरल वी पी मलिक जी, डॉक्टर के रत्तू जी, होर मोजेस हाजरीन, पंजाबी लेखक सभा के मैंबरस, तो अज की इस खास समारोह है वो नायक जतिन सलवान जी, रेणुका सलवान जी। जतिन जी बारे मेरा एक गल कह दिल करता है कि सुनिया कि दुनिया का पहला कवि एक प्रेमी सी, तो एक प्रेमी ही वधिया कवि हो सकता। मैं थोड़े सारिया का इतने पहुँचते पंजाबी लेखक सभा वालों सारे मैंबर वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता। तो बार स्टाल लगा हुआ है, तुम इतों किताब खरीद सकते हो, तो एक पौधा उस किताब के नाल सलमान परिवार वालों थानू मिलेगा, तो थोड़ा सारिया का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जी, और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, उस जगह से भी अक्सर हो जाती है मुझको मोहब्बत, उस जगह से भी अक्सर मुझको हो जाती है मोहब्बत, जिस जगह बैठ के तुझे सोच लिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।